देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर युवा कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किया। इसी के साथ अब जबलपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करने कांच घर पहुंचे। इसी दौरान मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं माने और बैरिगेट पर चढ़ने लगे, जिन पर पुलिस कर्मियों के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दो सौ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कार्रवाई की थी, यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे। पेट्रोलियम पदार्थ कोई भी उठा ले, रसोई गैस उठा ले, तो हद से ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है और इनके चेहरे पर शिकन तक नहीं है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बढ़ते जा रहे हैं। इन तमाम बातों को लेके कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर आके प्रतिकार कर रहा है, इनको जगाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारा वो चेहरा कहाँ गया जो संवेदनशीलता का था, जो कहते थे कि हम जनता के लिए लड़ते हैं। आज घमंड में, अहंकार में कोई भी तुम्हारा मंत्री नेता अजीब टाइप के बर्तन दे रहा, ये निंदनीय है। और युवा कांग्रेस के साथ साथ समूची कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती है और आम जनमानस के लिए जनता को राहत मिले, जनता के जख्मों पर नमक न छिड़का जाए, इसके लिए सड़कों पे एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया था और इसके आयोजन में ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे कांजगर में, जो कि जिला दंडाधिकारी जबलपुर के द्वारा कोविड-19 के चलते धारा 144 लागू है, आम जनता जुलूस सभा नहीं की जा सकती है, इसलिए इनको रोका गया है। हमेशा दी गई है और लगातार हिदायत दी जा रही है कि कोई भी जुलूस या रैली या सभा नहीं होगी, और ऐसा अगर वो करते हैं तो विधि अनुसार जो कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा जो भी इन्होंने आयोजन किया इसको रोका गया है और इनकी गिरफ्तारियां की गई।